मुख्यतः रोटी बैग आसार निसार लोगों की दिमागों की मदद करता है। उसके बाद भी कोई यात्री कोई भी लोग भूखा है शहर में तो किसी भी टाइम हम संबंध करके हमको खाना दे सकते हैं। बेसहारों की जरूरत को पूरा करवे वालो देश को पहलो रोटी बैंक अब अपनो शीतकालीन उत्सव मना रहो है। भारत समेत विश्व के कई देशों में रोटी बैंक संचालित करवे वाले महोबा रोटी बैंक ने 11 सालों की तरह इस साल भी महोबा में गरीबों के संग शीतकालीन उत्सव मनाओ। ये उत्सव में जरूरतमंद गरीब असहाय दिव्यांगों को ठंड से बचने के लाने गर्म कपड़ा के संग मिठाई बांटी गई। जरूरतमंदों के चेहरा खिल गए। भव्य कार्यक्रम के बीच उत्सव मनात भय देश के पहले रोटी बैंक ने भरपेट भोजन के संग गरीबों के तन को गर्म कपड़ा दे के मानवता की मिसाल पेश करी है। हर साल की भांति इस साल भी जो रोटी बैंक के कंबल वितरण समारोह का 10वां साल है और हम हर साल गरीबों के साथ शीतलहर उत्सव मनाते हैं और गर्मी में विधवाओं के लिए साड़ियाँ बांटते हैं। उसका उत्सव मनाते हैं कि उनका आंसुओं का उत्सव होता है कि उनके आंसुओं को बांटना। इसमें सर्दी के अभाव में किसी की मृत्यु ना हो उन किसी की सर्दी ना लगे उन तक कंबल पहुंचाना। कल हम लोगों ने रोडवेज सरकारी अस्पताल और महिला अस्पताल और स्टेशन में कंबल लगाते हैं। आज के दिन 502 कंबलों का वितरण यहाँ अभी हो रहा है और रोटी बैंक का कार्यक्रम ये हमेशा चलता ही रहता है। प्रमुख मकसद यही है कि भारत विश्व बंधुत्व का भाव रखता है। उसका एक ही भाव है प्रेम और लोगों के दिल के दर्द को जानना उनके आंसुओं को पहचानना। इसलिए पूरे संसार में ये भारत का पैगाम पहुंचाने का बीड़ा उठा के रखा है। कार्यक्रम के दौरान एक परिवार को आप लोगों के द्वारा आर्थिक मदद दी गई क्या उनके साथ घटनाक्रम हुआ था क्या आप लोगों के द्वारा? जैसे ही हम लोगों को पता चला खाना बांटने लड़के गए उन्होंने रिपोर्ट दी शाम को कि एक हादसा हो गया उसके घर में आग लगी उसके पास खाने को कपड़े नहीं है अब पहने को कुछ है तो हमारे लड़के मैं खुद भी वहाँ गया उनके उनको नए वस्त्र दिए उनको ओढ़ने के लिए कंबल दिए क्योंकि वो लोग प्यार हो रहे थे सर्दी की वजह से और उनको खाना लेके लड़के के उनको खाना दिया सुबह का खाना दिया। आज फिर उनको यहाँ बुलवा लिया उनकी कुछ आर्थिक मदद लोगों से करवा दी गई। किस तरह के लोगों को मदद की जाती है? मुख्यतः रोटी बैग आसार निसार लोगों की दिमागों की मदद करता है। उसके बाद भी कोई यात्री कोई भी लोग भूखा है शहर में तो किसी भी टाइम हमसे संबंध करके हमको खाना दे सकते हैं। विदेशों में कितनी देशों में आप लोग? इंडोनेशिया में 3 जगह सुमित्रा जावा और भांडुग में खुला है। इराक में अम्मान इराक में बगदाद बसरा और तिरकेत में खुला है। जॉर्डन में अम्मान खुला है। अभी नेक्स्ट टूर में हमारा अम्मान खुलने जा रहा है कजाकिस्तान में अलमाटी और अस्थाना में उज्बेकिस्तान में बुखारा में और अजरबैजान से हम लोग काबुल में खोल के इंडिया वापस आए। दूर दूर जाते हैं कि सब आदमी तो कोई दो रोटी सब्जी दे देता कोई सादा दे देता सब लोग रोटी देते हैं। फिर रोटी कहाँ जाती है? ये सब लोग वहाँ जाते हैं स्टेशनों में और जहाँ जहाँ गरीब पड़े हैं उनको देते हैं। अच्छा आज यहाँ पर क्या कार्यक्रम हुआ? यहाँ ये कम्बल ये कम्बल बढ़ रहे हैं और सबको बुलाएगा जो 60 वर्ष का है जो बूढ़े हैं उनको कम्बल दिया गया है। कैसा कार्यक्रम करते हैं? अच्छा काम करते हैं साहब है? अच्छा काम न करते हुए क्यों आते आज जरूरतमंदों के लिए हम लोग हर साल ही प्रोग्राम रखते हैं। रोटी बैंक के द्वारा ही प्रोग्राम किया जाता है शीतकालीन में भी और गर्मियों में भी हम साड़ी वितरित करते हैं ताकि जरूरतमंदों की मदद हो सके। और हमारी टीम में मोटर चचा है और भी बहुत से बच्चे हैं वो सब इस कार्य में लगे रहते हैं और तिवारी जी थे उनका सपना था वो सब लोग आज कर रहे हैं और मैं चाहती हूँ ये कारवा आगे तक बढ़ता रहे और सभी लोगों का हमको सहयोग मिलता रहे। जो जरूरतमंदों को शाम को हम लोग को भोजन देते हैं बना करके और घर घर देते हैं जा जाके सभी लोगों को शाम को खिचड़ी का प्रोग्राम रखते हैं और त्योहारों पर मिठाइयाँ वगैरह कपड़े हम लोग सब करते हैं और ये प्रशासन से हम कोई सहारा नहीं लेते हैं। पिछले एक हफ्ता से रात के समय रोडवेज रेलवे स्टेशन अस्पताल में मौजूद जरूरतमंदन को कंबल बांटने को काम करेगा। जिन घरों तक रोटी पहुंचने को काम रोटी बैंक करत है उन सब 502 जरूरतमंद गरीब दिव्यांग असहाय लोगों को शीतकालीन उत्सव के जरिए ये कंबल बांटे गए। रोटी बैंक बिना कोनो मदद के गरीबों के हित में काम करत है। साल में 2 बार गरीबों के लाने एक उत्सव भी करे जाते हैं। महोबा से भरत त्रिपाठी बुंदेली बोछार के लाने। श्री कृष्णा यूनिवर्सिटी छतरपुर
द हाईटेक यूनिवर्सिटी इन सेंट्रल इंडिया बुंदेलखंड के लिए गौरव की बात है कि अब छतरपुर में हम आपको देंगे विश्व स्तरीय एजुकेशन सिस्टम और वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर। कोरोना जैसी महामारी के दौर में अब महानगरों की भीड़ भाड़ अत्यधिक खर्च से बचे तथा अपने घर एवं अपने शहर में रहकर ही विश्व स्तरीय रोजगार उन्मुखी शिक्षा को प्राप्त करें और महानगरों में होने वाली परेशानी से बचे, क्योंकि कोरोना ने हमें सिखा दिया है कि हम महानगरों में सुरक्षित हैं या अपने शहर और घर में। इसीलिए श्री कृष्णा विश्वविद्यालय आपको देगा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार तैयार पाठ्यक्रम और कोर्स में प्रवेश के अवसर।